आज हम बात करेंगे ऑक्सिलरीज के बारे में। ऑक्सिलरीज जो कि हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, उनकी इंट्रोडक्शन देखते हैं और उसको डिफाइन करेंगे। पहले उसका जो मतलब है, आई विल डिफाइन इट, एंड उसके बाद इसके जो काइंड्स है उसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, क्या होते हैं वैसे बेसिकली ऑक्सिलरीज, और या फिर उनको हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। तो वो होते क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो आज देखने वाले हैं। टू बिगिन विद, एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब दैट एड्स फंक्शनल और ग्रामेटिकल मीनिंग टू द क्लोज इन विच इट अकर्स सो एज टू एक्सप्रेस टेंस, एस्पेक्ट, मोडेलिटी, वॉइस, एम्फेसिस एट्सेट्रा। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पर वर्ब्स और वर्बल ऑक्सिलरीज। ठीक है, उनके नाम दिए गए हैं। हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हैं, देन हेल्पर वर्ब्स और वर्बल ऑक्सिलरीज आर अनदर नेम्स फॉर द सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या करते हैं, फंक्शनल मीनिंग ऐड करते हैं या फिर ग्रामेटिकल मीनिंग ऐड करते हैं अगर, तो उनको ऑक्सिलरीज बोला जाता है। जैसे अगर हम टेंस की बात करें, बेसिकली टेंस क्या बताता है, टाइम बताता है। ठीक है, जैसे नाउन क्या बताता है, नेम बताता है। ठीक है, ऐसे ही टेंस टाइम बताता है। सीधा सा मतलब यही है टेंस का कि वो टाइम बताएगा, टाइम की तरफ इशारा करेगा। ठीक है, समय बताएगा, कोई काम हो रहा है या होगा या हो चुका या फिर हो गया है, इस तरह से आमतौर पे होता है, तो वो टेंस होता है, बेसिकली टाइम बताता है। तो उसको जैसे टेंस है, सपोज विल है, विल एक वर्ड है जो अगर मेन वर्ब, किसी भी मेन वर्ब के साथ अगर उसको यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वो उसके मीनिंग में फ्यूचर का टेंस ले आएगा। जैसे आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ, तो ये सिंपल है, सीधी सी बात है। अगर मैं ये कहूँ आई विल डू माई होमवर्क, मतलब मैं अपना होमवर्क करूंगा, ठीक है, तो क्या कर दिया उसने, टेंस एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, इस तरह से, और वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर रहा है विल। ठीक है, उसको ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। अगर अकेले एक विल को उसका मतलब देखा जाए, एज अ नाउन तो उसका मतलब होता है इच्छा, लेकिन अगर ग्रामेटिकली उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो वो एक ऑक्सिलरी है। ठीक है, ऐसे एस्पेक्ट होता है, ही इज नॉट ऑफ दिस ओपिनियन और ही डज नॉट हैव दिस ओपिनियन। ठीक है, उसका ऐसा ओपिनियन नहीं है, तो इस तरह से कह सकते हो। ठीक है, तो डज भी एक ऑक्सिलरी की तरह वहां पे काम कर रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे। मोडेलिटी मतलब कैन होता है, जैसे मॉडल से बेसिकली वो लिया वर्ड, कैन होता है, देन कुड, देन शुड, शैल, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो मॉडल्स होते हैं, तो मोडेलिटी वहां से लिया गया। वॉइस, वॉइस होता है, एक्टिव होती है, एक पैसिव वॉइस होता है, आपको पता ही है। अगर मैं कहूँगा आई डू दिस वर्क, मैं ये काम करता हूँ, ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस हुई। और अगर मैं कह दूँ पैसिव, मतलब जिसमें सब्जेक्ट छुप जाता है कहीं ना कहीं, जैसे दिस वर्क इज डन बाय मी, ये वर्क मेरे द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो वो इतना फोर्स नहीं नजर आती उसमें, तो इस तरह से पैसिव वॉइस हो गया। पैसिव का मतलब यही है, जो थोड़ा सा सुस्त हो, मतलब एक्टिव नहीं हो इतना ज्यादा, तो उसको पैसिव बोल देते हैं। ठीक है, वो अब एस्पेक्ट है लैंग्वेज के, जैसे एस्पेक्ट की हमने बात की, तरह तरह के एक आयाम होते हैं कि भाई ये एक एस्पेक्ट है लैंग्वेज का, एक ये उसका प्रकार है, इस तरह से भी लिख सकते हैं मतलब सेंटेंसेस को। सो इट जनरली एड्स वेराइटी टू द काइंड ऑफ सेंटेंसेज वी कैन फॉर्म कन्वेइंग द सेम मीनिंग। एम्फेसिस, जोर दे के किसी बात पे, ठीक है, जोर देना, जैसे आई गो टू प्ले विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ खेलने जाता हूँ, और इसी बात को बराबर थोड़ा जोर दे के बोलोगे कि वही दैट यू आर वेरी हैप्पी दैट यू गो टू प्ले विद योर फ्रेंड्स, तो उसको कैसे कन्वे करोगे, आई डू गो टू प्ले विद माई फ्रेंड, आई डू गो टू प्ले विद माई फ्रेंड, मैं खेलने जाता हूँ अपने दोस्त के साथ, तो वो डू वहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है, जोर देने का जो काम कर रहा है। ठीक है, नाम बता दिए, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और हेल्पर वर्ब्स बोल देते हैं, देन वर्बल ऑक्सिलरीज बोल देते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट, सो देर आर थ्री कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स, कौन कौन से, हैव, देन डू, देन बी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इनके काइंड्स कौन कौन से होते हैं। हैव, देन हैव की जो फॉर्म्स हैज, हैव, हैविंग, हैड, देन हैडेंट, यानी हैड नॉट भी बोल देते हैं जिसको। ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म हो चुकी, तो हैड नॉट, हैडेंट, हैड, हैविंग,
हैज, तो ये किसके फॉर्म है? इनमें से किसी का नहीं, इनमें से हैव, जो हैव होता है ओरिजिनल, इनमें से हैव है, तो जो ओरिजिनल है उसी के आगे फॉर्म्स होंगे, ठीक हैव ओरिजिनल है इनमें से, तो हैव की ही है सारी फॉर्म्स हैं, ठीक है। आगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रूल ऑफ फ्रेमिंग द सेंटेंस, वी यूज दीज वर्ड्स, ठीक है, जो कि ऑक्सिलरीज हैं। अगेन डू, डू की फॉर्म कौन कौन सी होती है? डज, देन डन, डिड, डिडंट, यानी डिड नॉट भी बोल देते हैं जिसको, डज नॉट, तो ये सारी फॉर्म्स डू की हुई, ठीक है, डू की फॉर्म्स हुई। तो डू की जब ये फॉर्म्स हुई तो इस तरह से उनको वही अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है, ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, सेंटेंस को फ्रेम करने के जो रूल्स होते हैं, उन्हीं के हिसाब से इनको अलग अलग जगह पे हमें यूज करना है। देन कम्स बी, बी की फॉर्म होती है बी, बीन, देन एम, आर, इज, वॉज, वर, वॉजंट, वॉज नॉट, ओके, इन एक्सटेंडेड फॉर्म, aren't, are not, weren't and were not, ये सारी की सारी फॉर्म्स बी की हुई, ठीक है। तो बी का बेसिकली मतलब होता है रहना या कुछ होना, मतलब इस तरह से जैसे बी हैप्पी, खुश रहो, है ना, बी ए मैन, एक मैन बनो, बी ए गुड मैन, एक अच्छे इंसान बनो, ठीक है, और इस तरह से बी का बेसिकली मतलब हो जाता है। तो लेकिन बी की फॉर्म्स भी हैं, तो इनसे ऐड होता है मीनिंग आगे, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मेन वर्ब के आगे या मेन वर्ब से पहले आके उसका जो सेंटेंस का जो मीनिंग है उसमें एक चेंज लेकर के आते हैं। तो यही काम होता है ऑक्सिलरीज का, हैव की, डू की और बी की फॉर्म्स हमने देख ली है, ठीक है। नाउ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे वो मॉडलिटीज की जैसे हमने बात की, तो अगर कैन है, कैन के काफी यूज हो सकते हैं, जैसे अगर मैं पोटेंशियल एबिलिटी दिखाने के लिए भी यूज होता है कैन, जैसे आई कैन स्विम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी तैराकी कर सकता हूँ, और या फिर मैं बहुत अच्छे से तैर सकता हूँ, ठीक है। तो कैन यहाँ पे एबिलिटी दिखा रहा, क्षमता दिखा रहा कुछ करने की, ठीक है, दैट आई कैन डू समथिंग, यानी मैं कुछ कर सकता हूँ, इस तरह से पॉसिबिलिटी दिखा सकता है, संभावना कुछ होने की, जैसे इट कैन रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है, इस तरह से, ठीक है। माई पेरेंट्स कैन कम टू स्कूल टूडे, मेरे अभिभावक माता पिता आज स्कूल आ सकते हैं, आ सकते हैं, पता नहीं है लेकिन आ सकते हैं, ठीक है। तो और भी यूज हो सकते हैं, जैसे अब कुड है, कुड कैन का पास्ट फॉर्म की तरह यूज कर सकते हो बेसिकली आप, इस तरह से ये भी है, जैसे आई कुड स्विम वेरी वेल व्हेन आई वाज अ यंग बॉय और अ यंग मैन, जब मैं यंग था, जवान था, तब मैं बहुत अच्छे से तैराकी कर सकता था, बहुत अच्छे से तैर सकता था, इस तरह से सकता था, अभी नहीं, वो पास्ट की बात हो चुकी, ठीक है, तो पास्ट फॉर्म हो चुकी इस तरह से। देन रिक्वेस्ट के लिए बेसिकली यूज कर लेते हैं हम, जैसे कुड यू प्लीज टेल मी द एड्रेस ऑफ दिस प्लेस, इस जगह का एड्रेस आप बता सकते हो प्लीज, तो इस तरह से वो एक हम्बल पोलाइट एक विनम्र निवेदन के लिए कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। देन मे भी पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे इट मे रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है। अब देखिए कैन का भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो सकता है, देन मे का भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो सकता है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ? मे और कैन में से पॉसिबिलिटी में, कैन में पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, कैन में पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब अगर दोनों की बात करें, आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टूडे एंड इट मे रेन टूडे, सो व्हाट इज द डिफरेंस, तो कैन में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, यानी 70% चांसेस है कि भाई आज बारिश हो जाएगी, मे में वही चांसेस आके कोई कोई 30% या 40% हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा डिग्री का कम है, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, डिग्री कम है, यानी ठीक है, इसमें 40% चांस है मे में और कैन में 70%, तो इस तरह से। देन मे का और यूज भी है परमिशन के लिए, जैसे मे आई कम इन सर, ठीक है, यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो, तो इस तरह से, ठीक है। मे आई स्टे विद यू, क्या मैं आपके साथ ठहर सकता हूँ फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, तो इस तरह से मे, ठीक है, इस तरह से। देन माइट, माइट क्या होता है? माइट का पहला यूज मैं वही बताऊंगा, अगर पॉसिबिलिटी के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए कैन और मे और माइट, तीनों में एक चीज तो कॉमन है कि भाई तीनों को पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं, संभावना दर्शाने के लिए, है ना, टू हाईलाइट पॉसिबिलिटी। इट माइट रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, ठीक है।
अब इट मे रेन टुमारो, इट कैन रेन टुमारो, तो माइट में डियर डिग्री का ही फर्क है तीनों में, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो मे से थोड़ी सी ज्यादा होती है डिग्री माइट में, ठीक है। अब जैसे मे अगर मैं लगाऊं यूज करूं तो 40% चांस है सपोज, माइट में वो चांस आके 50% हो जाते हैं, यानी थोड़े से ज्यादा चांस है बारिश होने के। और अगर मैं कैन बोल दूँ इट कैन रेन टुमारो, तो कैन में फिर 70%, उसमें सबसे ज्यादा, ठीक है। तो कैन में सबसे ज्यादा चांस होते हैं, माइट में उससे कम, और मे में सबसे कम, ठीक है। इस तरह से पॉसिबिलिटी हो चुका, ठीक है। तो इस तरह से माइट का भी यूज हो सकता है, ठीक है। देन मस्ट और माइट इस तरह से भी यूज हो सकता है, जैसे उसने कुछ किया होगा इस तरह से कि भाई ये उसने किया होगा इस तरह से कि भाई व्हाई दिस डोर इज ओपन, someone might have come और someone might have entered this room, यानी ये क्यों रूम खोला है, यानी कोई इस रूम में, किसी ने इस रूम में एंटर किया होगा। तो इस तरह से might का यूज कर सकते हैं, ठीक है। I might have gone there, मैं जरूर गया होऊंगा वहां, I might have gone there but I do not remember it clearly now, अभी मुझे वो अच्छे से याद नहीं है। तो इस तरह से भी यूज हो सकता है, ठीक है। और भी यूज है, मस्ट होता है स्टूडेंट्स, कोई काम करना ही पड़ेगा, अगर आप मैं अगर ऐसे रूल्स के अकॉर्डिंग अगर लीगली अगर हम किसी को फोर्स करें कुछ करने के लिए, जैसे यू मस्ट कम ऑन टाइम इन द ऑफिस, ठीक है, ऑफिस तुम्हें टाइम पे आना पड़ेगा, मस्ट, ठीक है, अदरवाइज पनिशमेंट कुड बी मेटेड आउट, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई मस्ट का ऐसे यूज हो सकता है, ठीक है। कोई फोर्सफुली के अंदर या एक बाहर से प्रेशर आता है, जैसे तो बाहर से है, अंदर से प्रेशर आता है, खुद ही एक अपनी जो कॉन्साइंस है, अपनी जो आत्मा होती है, वो हमें कई बार ऐसा होता है कि भाई कुछ करने के लिए बाध्य करती है, जैसे कोई काम हमें, जैसे वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, मस्ट करनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये किसका, अगर नहीं करेंगे तो पनिशमेंट तो मिलेगी नहीं, लेकिन वो अंदर से कॉन्साइंस की बात होती है, ठीक है, अपनी एक आत्मा की बात होती है। ऐसे इस तरह से मस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मस्ट जैसे अगर कोई किसने भाई कोई काम जैसे जरूर कोई थोड़ी फोर्स हो जाती है, जैसे समवन मस्ट हैव कम हियर, कोई जरूर आया होगा यहाँ, थोड़ी फोर्स देगा। माइट में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस ही हो जाता है कि फोर्स का जो यूज होता है उसमें थोड़ी फोर्स ज्यादा हो जाती है, और यानी संभावना भी बढ़ जाती है किस तरह से, ठीक है। देन ओट टू और शुड में डियर डिफरेंस नहीं होता इतना, मतलब सेम होता है एडवाइस देने के लिए, जैसे इसका मेनली यूज करते हैं। जैसे मैं शुड से शुरू करूंगा फिर ओट टू पे आएंगे। शुड का मतलब क्या है भाई, शुड का कोई काम करना चाहिए, जैसे एडवाइस देने के लिए, जैसे यू शुड वॉक डेली, तुम्हें हर रोज वॉक करनी चाहिए, टहलना चाहिए हर रोज, ठीक है। तो इस तरह से शुड का यूज हो सकता है। सपोज अ डॉक्टर एडवाइजेस समवन, ओके, ही इज अ पेशेंट, सो ही नीड्स टू वॉक डेली, सो डॉक्टर एडवाइजेस द पेशेंट टू वॉक ऑन डेली बेसिस, सो ही जनरली यूजेस शुड इन टर्म्स ऑफ दैट, ओके, उस तरह से वो शुड यूज कर लेता है। ओट टू भी वही है, You ought to walk daily. तुम्हें हर रोज टहलना चाहिए, हर रोज वॉक करना चाहिए, तो इस तरह से कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो ought to should दोनों सेम है, डिफरेंस ये हो जाता है कि भाई ought to में थोड़ी सी फोर्स ज्यादा हो जाती है, डिग्री जो है एडवाइस की, एडवाइस थोड़ी सी फोर्सफुल हो जाती है कंपेरेटिव टू, एज कंपेयर टू शुड, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस है, बाकी इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं एज ए सिनोनिम, जैसे शुड नहीं लगाया तो ओट टू हो चुका, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। इस तरह से और एग्जांपल भी हो सकते हैं इसके, जैसे वी शुड ईट हेल्दी फ्रूट्स, यानी हेल्दी फूड, हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, तो इस तरह से शुड चाहिए, इस तरह से, है ना, शुड और ओट टू, वी ओट टू ईट हेल्दी फूड, तो इस तरह से कर सकते हैं। देन शैल और विल में भी कोई डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट्स, दोनों ही फ्यूचर को दिखाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, दोनों फ्यूचर को दिखाने के लिए यूज होंगे तो डिफरेंस कोई नहीं है, लेकिन पर्सन का ग्रामेटिकली इसमें मतलब डिफरेंस क्या होता है, शैल बेसिकली फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, से आई, मैं, वी, तो ये फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं, ठीक है, तो मतलब वही रहेगा। विल सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ बेसिकली यूज कर लेते हैं। सपोज अगर मैं कहूँ आई शैल प्ले टूडे, मैं आज खेलूंगा, और मैं कहूँ यू विल प्ले टूडे, तुम आज खेलोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, मतलब सेम है, फ्यूचर ही दिखा रहा है, लेकिन बस वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, वो सेकंड पर्सन के साथ यूज कर लेते हैं, ठीक है। आज के दौर में वैसे इन स्पोकन इंग्लिश विल और शैल में वो जो डिफरेंस है वो काफी हद तक वाइप आउट हो चुका, फेड अवे हो चुका है, ठीक है, वो मिट चुका, कोई खास डिफरेंस रहा नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एंड फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए कि हम यूज कहाँ करते हैं शैल, ठीक है, वैसे ऐसी कोई खास उसमें प्रॉब्लम आती नहीं है। वुड होता है, सपोज विल तो ये है कि भाई करूंगा, वुड सपोज स्टूडेंट्स मोस्टली विल की पास्ट फॉर्म की रूप में यूज कर लेते हैं वुड को, ठीक है, वुड इज बेसिकली यूज्ड
एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ विल, विल की पास्ट फॉर्म के तौर पे, जैसे इफ आई वुड बी देयर, अगर मैं वहां होता, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हें हेल्प करता। देखिए विल तो है आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, और वुड है कि भाई मैं तुम्हें हेल्प करता, तो वो तो डिफरेंस हुआ ना। अब वो वुड है, करता, अभी वो पास्ट की बात हो चुकी है, सो ही वॉज नॉट एबल टू डू दिस बट नाउ, ठीक है, बिकॉज सपोज ही वॉज नॉट देयर, वो वहां नहीं था, अगर होता तो ये होता, ये नहीं होता तो ऐसे होता, होता, करता, जाता, इसका मतलब ये है कि वुड यूज होगा वहां पे, क्योंकि अब तो हो चुका जो होना था, लेकिन वो पास्ट की बात हो चुकी है, बट वी आर डिस्कसिंग इट नाउ इन द प्रेजेंट, अभी हम उसको सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ऐसे होता तो ये होता। सपोज इफ आई वुड बी इन योर प्लेस आई वुड टॉप द क्लास, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं टॉप करता क्लास में, होता, करता, ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब हुआ तो नहीं ना ऐसा, लेकिन वो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है, ऐसे, तो वुड को पास्ट के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स के, जैसे हमने बात की है अभी, शी वॉज बेकिंग अ पाई, पाई इस तरह की मिठाई होती है, केक जैसी, पाई फॉर डेजर्ट, डेजर्ट होती है मिठाई के लिए, डेजर्ट होता है जैसे खाने के लिए, डेजर्ट में क्या है ऐसे पूछते हैं ना, तो मिठाई में क्या, मीठे में क्या है बेसिकली, तो मीठे, मीठे के लिए और मिठाई के लिए यूज हो जाता है, डी ई डबल एस ई आर टी, ठीक है, डेजर्ट। शी वॉज बेकिंग अ पाई फॉर डेजर्ट, यानी केक बना रही थी मिठाई के लिए, ठीक है, मीठे के लिए, तो वो वॉज, देखिए बेकिंग मेन वर्ब है, वोज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है ना, यानी ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पे, और हाईलाइटेड भी है, ठीक है, डार्कन है ना ब्लैक से, तो वो है, तो मेन वर्ब के साथ आके उसका मीनिंग चेंज कर रहा है, ठीक है, ऐसे। डैड हैज बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, डैड पूरा दिन कठिन मेहनत कर रहे हैं, हैज बीन क्यों लगाया स्टूडेंट्स, यानी कंटिन्यूसली कर रहा है पूरा दिन बिना रुके, विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, ही हैज बीन वर्किंग हार्ड ऑल द डे, ठीक है, इस तरह से, तो has been working hard all the day, all day, इस तरह से has been, ठीक है, basically has been working कौन सा tense है, present perfect continuous tense होता है, जब हम tenses की बात करेंगे तो उसमें फिर वो बात करेंगे। The bed was made as soon as I got up, जैसे ही मैं उठा bed, फिर दोबारा से उसको तह लगा दिया गया सब कुछ, जैसे वो बिस्तर मेरा दोबारा से set कर दिया गया, ठीक है, तो was made, ठीक है, बनाना यानी वही तह लगा देना, अच्छे से उसको रख देना, बेड को सही कर देना दोबारा से वैसे ही, ठीक है, इस तरह से। द बेड वॉज मेड एज सून एज आई गॉट अप, जैसे ही मैं उठा बेड दोबारा से ठीक कर देगा, ठीक है, जैसे ही, तो वॉज, हैज बीन, वॉज, देख, ठीक है। सरा डजंट स्काई और रोलर स्केट, स्काई होता है डियर जैसे स्केट होते हैं, मतलब पहिए वाले जो शूज होते हैं बेसिकली, उस तरह से, उस तरह का एक स्केटबोर्ड होता है, तो उस पे जैसे सरा डजंट स्काई, सरा स्काई नहीं करता, उस पर जंप वगैरह नहीं करता, उसको देखो, वो स्किट नहीं करता, ठीक है, या रोलर नहीं करता, बार बार घूमता नहीं है ज्यादा उस पर, इस तरह से, ठीक है, डजंट। डिड मैथ्यू ब्रिंग कॉफी, क्या मैथ्यू कॉफी लाया, तो डिड हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और डू की फॉर्म है, डजंट भी डू की फॉर्म है, और डिड भी डू की ही फॉर्म है, ठीक है, तो इस तरह से। नाउ द एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस देखते हैं। We would have to fill in the blanks, okay, which are given, and the options are given. So let us see the first sentence. What dash the kids doing when you last saw them? जब तुमने पिछली बार देखा उनको, ठीक है, देखो past है ना, saw them, see की second form है, past है, तो past में, और kids है, एक से ज्यादा है, तो was तो लगेगा नहीं, क्योंकि एक के साथ लगता है, अब were बचता है students, ठीक है ना, so what were the kids doing when you last saw them, जब तुमने पिछली बार देखा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा what are the kids doing, because तो past की बात है ना, और are present के साथ लगता है, तो वे तो खत्म होगी possibility, did लगेगा नहीं, did के साथ doing नहीं होता, grammatically rule, ठीक है, grammatically वो incorrect हो जाएगा, been के साथ भी ये जो ing form है वो नहीं लगती basically, ठीक है, इस तरह से। Carla dash always wanted to try skydiving, Carla has always wanted to try skydiving, यानी Carla ने हमेशा चाहा है skydiving करना। अगर मैं ये कहूँ was always wanted, Carla was always wanted to try skydiving, कोई सेंस नहीं बनेगी। Doesn't always wanted, no, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि doesn't होता तो verb की first form होती है यहाँ पे, इस तरह से। Is wanted, is always wanted, incorrect है, ठीक है, जैसे was incorrect है तो is भी incorrect है। Have always wanted, ऐसे incorrect होगा, क्योंकि Carla है तो एक के साथ has लगता है, ठीक है, has और have में basically difference कोई नहीं होता, meaning के sense में, grammatically difference ये होता है, plural के साथ basically have
हैव लगा देते हैं, ठीक है। आई इज एन एक्सेप्शन, आई एक्सेप्शन है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आई सिंगुलर है तब भी हैव लगता है, तो वो अपवाद होगा जहाँ पे रूल लागू नहीं होता। तो एक के साथ हम हैज और एक के साथ हैव लगाते हैं, तो एक है भी तो सिंगुलर है ना, तो हैज यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए वो हाईलाइटेड है। नेक्स्ट, वेयर डैश यू गो ऑन समर वेकेशन, कहाँ जाते हो समर वेकेशन पे, मतलब कहाँ गए, डिड, वेयर डिड यू गो ऑन योर समर वेकेशन, तुम समर वेकेशन पे कहाँ गए, ठीक है। देखो वर, वर नहीं लगेगा, वर के साथ तो आई एन जी होता तो इनकरेक्ट हो गया। वेयर बीन यू गो, इनकरेक्ट है, ठीक है, सेंस नहीं बनेगी। वेयर आर यू गो, नो, आर यू गो बिल्कुल नहीं होगा, जब आवर नहीं लगेगा तो आर भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। वेयर डज यू गो, नो, यू के साथ कभी डज नहीं लगता, अगर डू लगता है या फिर डिड लगता है, ठीक है। अब डू और डिड में से डिड लगेगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। वेयर डिड यू गो ऑन योर समर वेकेशन, तुम समर वेकेशन पे कहाँ गए, इस तरह से कर सकते हो। और वैसे भी डू इसमें ऑप्शन भी नहीं है, फिर तो हम कंटेम्पलेट करते हैं, सोचते हैं उसको कि डू प्लेस करें यहाँ पे, लेकिन डू नहीं है तो फिर जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो डिड होगा। Why do you think she dash call you like she said she would? मतलब तुम्हें क्या लगता है उसने तुम्हें क्यों कॉल नहीं की जैसा उसने कहा भी था कि वो करेगी, didn't, कि भाई तुम्हें क्यों लगता है कि भाई मतलब तुम्हें क्यों लगता है she didn't call you, कि उसने तुम्हें कॉल नहीं की, she didn't call you, ठीक है, लाइक शी सेड शी वुड। अब देखिए मीनिंग की सेंस भी बननी चाहिए स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि ग्रामेटिकली कोई सेंटेंस बस करेक्ट लग रहा है आपको तो आपने उसको प्लेस कर दिया, एक नेचुरली साउंड भी लगना चाहिए कि भाई हाँ, एक वो एक सेंस भी बननी चाहिए इस तरह से। वाई डू यू थिंक शी डिडेंट कॉल यू, ठीक है, लाइक शी सेड शी वुड, कि भाई वो कॉल करेगी लेकिन कॉल नहीं की ना उसने, शी डिडेंट कॉल यू। अब शी हैजंट कॉल यू, नो, हैजंट होता तो कॉल्ड होता, फिर हैज के साथ तो थर्ड फॉर्म लगती है, पॉसिबिलिटी खत्म। Has been नहीं लगेगा, फिर तो calling हो जाता, लेकिन call है यहाँ पे, तो have नहीं लगेगा, third form होती क्योंकि यहाँ पे फिर, लेकिन third form तो नहीं है, तो क्या बचता है, didn't बचता है, बस यहाँ पे place कर सकते हो। Next, Mary dash going to be upset when she hears what happened. Mary is going to be upset when she hears what happened. Mary बहुत उदास होने वाली है सुन के कि क्या हुआ, ठीक है, तो मैरी बहुत उदास होने वाली है सुन के कि जो हुआ वो सुन के वो बहुत उदास होने वाली है, तो इसको क्या कहेंगे। मैरी विल गोइंग टू, नो, मैरी विल बी गोइंग टू हो सकता था, लेकिन विल बी तो नहीं है यहाँ पे, खत्म होगी पॉसिबिलिटी। मैरी डोंट गोइंग टू, डोंट गोइंग तो बिल्कुल नहीं होता, डोंट के साथ तो गो होता या फिर, ठीक है ना, तो आई एन जी तो फॉर्म नहीं लगती। डिडेंट गोइंग टू वो भी नहीं लगेगा क्योंकि जब डोंट नहीं होगा तो डिडेंट भी नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो डिडेंट के साथ भी तो फिर गो ही होगा ना, आई एन जी तो नहीं होगा। मैरी हैज गोइंग वो नहीं होगा बिकॉज मैरी हैज बीन होता फिर तो, ठीक है, और वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता लेकिन उसका मीनिंग कोई नहीं बनता। इज मैरी इज गोइंग टू बी अपसेट व्हेन शी हियर्स व्हाट हैपेंड, ठीक है, मैरी इज गोइंग टू बी अपसेट, मैरी इज गोइंग टू बी यानी वो उदास होने वाली है सुन के कि क्या हुआ, यानी जो हुआ वो सुन के वो बहुत उदास होने वाली है, तो मैरी इज गोइंग टू बी अपसेट व्हेन शी हियर्स व्हाट हैपेंड। ओके, सो स्टूडेंट्स अगेन, now I hope that I've been able to convey the meaning of these auxiliary verbs, okay, and I am pretty hopeful that I've been able to convey the meaning, and I've tried my best to make you understand as to what auxiliary verbs are and how do we use them, and what all uses are there, how do we use them, how we use all these things into the exercises where the blanks are given, okay, so what are the forms of the given auxiliary verbs and what else was there, so everything else has been discussed I believe, and now you will surely be able to fetch a hint as to how to use all these things into your language. So thank you very much again.